नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। मनुष्य के जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है, कुछ समस्या होती है, उसका मुख्यतः कारण कुंडली में उपस्थित किसी भी इंसान की जो कुंडली में उपस्थित तीन दोष होते हैं उन्हीं के कारण लगभग सभी समस्या उन्हीं के कारण होती है। वो तीन दोष कौन से हैं, जिसमें से पहला है पितृदोष, दूसरा है कालसर्प दोष और तीसरा है वास्तु दोष। इन तीनों दोषों के कारण ही किसी भी इंसान के जो जीवन में परेशानी आती है, उतार चढ़ाव आते हैं या रोग आता है, कुछ भी आता है, वो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी एक दोष के कारण आता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ये दोष जो है उसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कुंडली के माध्यम से और कुछ जो लक्षण होते हैं उसके माध्यम से। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन तीनों दोषों को एक ही उपाय से कैसे आप दूर कर सकते हो, कैसे ख़त्म कर सकते हो। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुंडली के माध्यम से यानी कुंडली के द्वारा हम किस प्रकार से किसी इंसान के जीवन में या किसी इंसान की कुंडली में कौन सा दोष उपस्थित है या कितने दोष उपस्थित है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की कुंडली में तीनों ही दोष होते हैं। जिन दोषों की मैंने अभी बात करी है उनमें से तीनों होते हैं, किसी के में एक होते हैं, किसी के में दो होते हैं, किसी के में होते भी नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कुंडली से कैसे जान सकते हो। तो अगर किसी इंसान की कुंडली के पाँचवें और नवे भाव में, ये दोनों भाव मैं अभी कुंडली आपको सामने दिखा रहा हूँ, तो कुंडली के नवे और पाँचवें या पाँचवें या नवे भाव में अगर कहीं पर भी सूर्य और राहु की युति हो या सूर्य और शनि की युति हो या फिर सूर्य और केतु की युति हो, युति मतलब वो दोनों साथ में हो, तो या तो सूर्य और शनि साथ में हो या सूर्य और राहु साथ में हो या सूर्य या केतु साथ में हो, इन दोनों घरों में यानी कि पांचवा घर या जिसको हम भाव भी बोलते हैं, तो पांचवा भाव या नवा भाव, इन दोनों भाव में से इन तीनों जो मैंने अभी बताए उनमें से कोई सा भी उपस्थित होगा तो उसको, उस व्यक्ति को पितृदोष बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे संयोग है जिसके कारण पितृदोष बनता है, लेकिन मैं मुख्यतः बात कर रहा हूँ तो इन दोनों के कारण बनता है। ठीक है, तो चलो ये तो आपने जान लिया कि पितृदोष किस प्रकार से बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कालसर्प दोष। तो कालसर्प दोष बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हो कि केतु और राहु, एक तरफ केतु होगा और उसके सातवें घर में यानी कि उससे जब गिनना शुरू करोगे तो सातवें नंबर पर केतु होगा। केतु से गिनोगे तो राहु मिलेगा, राहु से गिनोगे तो केतु मिलेगा। तो अगर इन सात घरों के बीच में ही सारे ग्रह आ जाए यानी कि केतु से शुरू होकर राहु तक चले जाए या राहु से शुरू होकर केतु तक चले जाए तो इनमें से कोई सा भी स्थिति बन सकती है। जैसे आप कुंडली में देख रहे होंगे कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए या केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह आ गए, अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसको कालसर्प दोष है। तो ये तो हमने जान लिया कि पितृदोष कैसे बनता है और ये भी हमने जान लिया कि कालसर्प दोष कैसे बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ वास्तुदोष कैसे बनता है या वास्तुदोष कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में है या नहीं। अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में या चौथे घर में या फिर किसी भी घर में, देखो मेन तो है चौथा घर लेकिन चौथे में नहीं, तो किसी भी घर में अगर राहु और शनि साथ में हो या राहु या मंगल साथ में हो, राहु मंगल की युति हो या राहु शनि की युति हो, तो ऐसे लोगों को वास्तुदोष लगता है या ऐसे लोगों को वास्तुदोष होता है, उसके घर में कुछ नहीं प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हमने ये तो जान लिया कि कुंडली से हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि किस इंसान को कौन सा इसमें से दोष है, लेकिन सभी के पास तो कुंडली होती नहीं है और सबको कुंडली देखना आती भी नहीं है। तो चलिए मैं कुछ आपको लक्षण बता रहा हूँ जिसके थ्रू भी आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे कि आपके घर में इनमें से कोई दोष है तो नहीं या आपकी कुंडली में इस प्रकार के कोई दोष है तो नहीं। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको ये जानना है कि आपकी कुंडली में कहीं पितृदोष तो नहीं है तो उसके कुछ लक्षण बता देता हूँ। सबसे बड़ा लक्षण तो ये है कि उनके घर के जो बच्चे हैं उनका विवाह बहुत लेट होता है या उस खुद इंसान का विवाह बहुत लेट होता है या उसके परिवार में जो भी लोग होंगे उनके विवाह में बहुत देरी होगी। जिस भी घर में पितृदोष होता है उस घर के जो बच्चे होते हैं, उस घर के जो लोग होते हैं, उनका जो विवाह है बहुत देरी से होता है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है या जब भी घर के सारे सदस्य या सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो घर में किचकिच जरूर होती, मनमुटाव जरूर होता है। ऐसे बहुत से और भी लक्षण हैं लेकिन हम अभी कुछ लक्षणों की बात कर रहे हैं। इनमें से कोई लक्षण अगर है तो इसका मतलब है कि आपके घर में जो पितृदोष हो सकता है। दूसरे दोष की बात करते हैं यानी कि कालसर्प दोष की बात करते हैं। अगर आपके या आपके बच्चे के करियर में रुकावटें आ रही हैं, काम होते होते रुक जा रहा है, बहुत बार आप प्रयास करते हो, आपको लगता है कि काम हो जाएगा लेकिन फिर नहीं होता, नौकरी में या आपके व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही, नौकरी में पदोन्नति आपको नहीं मिल रही है,
इस प्रकार की कोई भी अगर संतान पक्ष से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, संतान पक्ष में एक दिक्कत आ सकती है, तो इस प्रकार का अगर लक्षण दिख रहा है तो इसका मतलब ये कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में हो सकता है। अब हम बात करते हैं वास्तु दोष की। तो वास्तु दोष के तो बहुत सारे आपने नेगेटिव्स देखे होंगे, तो इसमें सबसे बड़ा तो जो लक्षण है वो ये है कि आपको घर में रहने का मन ही नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो घर है वो भूतिया घर है, यानी कि आप घर से बाहर रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही घर के अंदर जाओगे तो आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, घर से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको होती रहेगी, कभी छत का ख़राब हो गया, तो कभी दीवार में दरारें आ गई, तो कभी कुछ हो गया, तो घर से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके घर में बनी रहेगी। तो ये कुछ लक्षण मैंने मेन लक्षण आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। अगर आप बुक उठाओगे या किसी की बातें सुनोगे या किसी और ने आपको बताया होगा, तो आप तो सोचोगे यार मैंने इतने कम लक्षण बताए, जबकि लक्षण तो बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, सही बात है, लेकिन मैंने अभी कुछ ही लक्षणों की बात करी। इन लक्षणों के आधार पर और कुंडली में जो मैंने कुछ योग बताए उनके आधार पर, अगर आपको आपकी कुंडली में या आपके घर में इस प्रकार के लक्षण हैं, तो सिर्फ मैं एक उपाय बता रहा हूँ, उस एक उपाय के थ्रू आप इन तीनों दोषों का निवारण कर सकते हो। और उपाय बहुत ही ईजी है, बहुत सरल उपाय है। उपाय क्या है कि आपको एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाना है। डेली अगर आप एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो ये तीनों दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन चढ़ाने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप जो जल लेकर जाएंगे वो अपने किचन में रखे हुए घड़े या मटके उसमें से लेकर जाएंगे। आप इसकी चिंता मत करिए कि ये जो घड़ा है वो कल से भरा हुआ है, आज जो है ताज़ा पानी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। आपका जो घड़ा जहाँ रखा, बस ये झूठा वूटा नहीं हो, बच्चों का लगा हुआ ऐसा नहीं हो, शुद्ध पानी हो, भले वो दो दिन का भी रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप घर में जो आपका किचन है उसमें जो आप पानी के बर्तन रखते हो उसका आप पानी ले जाइए, क्योंकि आपको वास्तु दोष भी खत्म करना है, आपको पितृ दोष भी खत्म करना है, और आपको जो काल सर्प दोष है वो भी खत्म करना है। इसके लिए आपको किचन के अंदर से पानी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि किचन के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि किचन के अंदर हमारे पितरों का वास होता है, और अगर वहाँ से हम पानी ले जाएंगे भगवान शिव के लिए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और काल सर्प दोष क्योंकि नाग से बनता है, सर्प से बनता है, और अगर भगवान शिव को हम वो पानी चढ़ाते हैं तो काल सर्प दोष भी वहाँ से खत्म होता है, और घर की सारी ऊर्जा को हम लेकर जा रहे होते हैं यहाँ से, इसलिए जो हमारे घर का वास्तु दोष है वो भी ख़त्म होता है। तो अगर आप रोज़ाना सुबह के टाइम या जब भी आपको टाइम मिले, तब आप अगर एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते हो तो आपके घर के तीनों प्रकार के जो दोष है या आपकी कुंडली में जो तीनों प्रकार के दोष है वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपका जो जीवन है वो सुरक्षित और सुखमय बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।